नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। खबर गया से है, जहां महामना पंचायत के सरपंच पति लाल शर्मा ने बताया कि बीते दिन पंचायत में चोरी की घटना को लेकर कार्यवाही के लिए पंचानपुर थाना गए थे, जहां थाना प्रभारी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धक्का मुक्की कर लाल सिंह को थाने के गेट से बाहर कर दिया। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह का थाना प्रभारी पर कार्यवाही नहीं की गई। संघ के अध्यक्ष एवं कई पंचायतों के सरपंचों ने टिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा है। बोल रहे हैं वो 100% सही बोल रहे हैं और उनका बात का हम सही ठहराते हुए तत्काल उनको निलंबित करने के लिए मांग करते हैं। अगर निलंबित नहीं करेंगे तो मुखिया संघ अध्यक्ष जो हैं, हम लोग 22 मुखिया उनके साथ एकत्रित होकर पूरे रोड को, पूरे अंचल को जाम कर देंगे। किस तरह से जाम करेंगे आप? जैसे हमारा प्रशासन से जैसा मिलेगा, हमारा रामजी बाबू जैसे बोलेंगे उसका अनुसार हम लोग करेंगे काम। मैं आज सूचना दे दिए हैं, सूचना मिल गई। कहना है कि पागल है, पागल है, पागल है। वो सबका यह कह के कतरा रहा है कि पागल है, तो भैया पागल है तो क्यों रखे हुए हैं उसको? हो सकता है भीड़ में गोली चला दे, कोई को जान मार दे, इसलिए हम लोग को जो भी करना होगा। ऐसा जानकारी कहाँ से मिला आपको? अभी उनका जो इंस्पेक्टर है, कौन इंस्पेक्टर है? टगारी थाने खुजला में। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब हम लोग गए थे अभी, वो कहते हैं कि इनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया। जो घटना घटी हमारे मुख्य पति महोदय के साथ, ये हमारे टिकारी पंचायत, टिकारी प्रखंड के लिए दुर्भाग्य का दिन है। जो कल हमारे साथ जैसा घटना हमारे मुखिया पति के साथ है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अपने मुखिया संघ के अध्यक्ष के साथ हैं, अपने लाल बाबू के साथ हैं। जो जैसा हमारा संघ अध्यक्ष का निर्देश होगा, हम लोग सारा टिकारी के प्रखंड के सारे जनता, सारे प्रतिनिधि उनके साथ हैं। हम लोग का भी जरूरत पड़ेगा कभी भी हम रोड पर खड़ा हो सकते हैं। और अगर इनका तबादला नहीं किया गया, इनका सस्पेंडिंग नहीं हुआ, तो अच्छी बात नहीं। हम लोग का प्रतिष्ठा के साथ साथ में प्राण जान का भी खतरा हो सकता है। जैसे अभी सूचना मिला कि जैसे भी बताए राधे मुखिया जी कि मेंटल कुछ डिस्टर्ब बता रहे हैं, तो उस पर कभी भी किसी तरह कुछ घटना घट सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्हें जितना जल्दी यहाँ टिकारी थाना से, पंचानपुर ऑफिस से तबादला कराया जाए। उनका यही व्यवहार है, ग्रामीणों के साथ भी है। जाता है मुखिया संघ के अध्यक्ष, क्या करेंगे अगला स्टेप, क्या करेंगे? हाँ, मुखिया संघ के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। अध्यक्ष के रूप में हम मांग करते हैं, कल भी डीएसपी साहब वहाँ थे, हम लोग भी वहीं पर स्पॉट पर गए और सर से मांग किया डीएसपी साहब से कि तत्काल इनको निलंबित कीजिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए इनके ऊपर, नहीं तो भाई पुलिस से, जनता के और हम लोग जनप्रतिनिधि का भरोसा उठेगा। तो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कर रहे हैं लोग कि कार्रवाई होगा, जाँच करेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन ये बात कहने से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अभी भी आप लोग आए हैं, आप लोग के बीच में हम लोग मिल के अभी डीएसपी साहब से ही जाके मिलने जा रहे हैं कि भाई अभी 24 घंटा बीत चुका है, 30 घंटा बीत चुका है, आप लोग कोई कार्रवाई किए करेंगे नहीं करेंगे? और संघ के रूप में अध्यक्ष हैं, इसके नाते हम वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि आप लोग के अगर चैनल के माध्यम से अगर उनकी तक बात पहुंच रहा है, तो तत्काल इस व्यक्ति को, इस पदाधिकारी को, जिनका नाम विनय कृष्ण प्रसाद है, जो पंचानपुर ओपी प्रभारी हैं, इनको हटाएं, नहीं तो हम लोग आंदोलन शुरू करें। किस तरह से